सुबह जब खिड़की खोले, बाजू वाली लड़की हाय, दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू। हालांकि इस बात का कोई नाता नहीं था मेरे, इस शेर का कोई नाता नहीं था अब जो मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं सुबह से ही बड़ा खुश हूँ, तो मैंने कहा चलो इसे चिपका देता हूँ। भाई आज 2 दिन पहले, इनफैक्ट 3 दिन पहले मुझे पता लगा कि हमारी कोलकाता की जो राजरानी है, महिष्मती हैं, सुश्री ममता जी, उनके पैर में, दीदी 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 के पैर में प्लास्टर चढ़ गया। मेरा बच्चा जा रहा था वहाँ पे कलकत्ता, तो मैंने उसके हाथों तो तुरंत ही औरतों वाला भेज दिया। वह देखिए असर, ऐसा असर, ऐसा असर, ऐसा असर हुआ, एक बार मलाई लेडीज ने प्लस्तर उतर गया। अब देखिए कि एक बार मलने पे अगर प्लस्तर उतर गया है, तो मैं सोच रहा हूँ फुटबॉल गिफ्ट कर दूँ उन्हें, 3-4 बार रगड़ लेंगी तो मैसी वैसी सब फेल हैं। खैर, अरे ये फोन, हाँ, नसीर सांग 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 सांग। भाई भाई खुश होने की बात है, आपके जावेद साहब, मतलब आपके जावेद साहब इसलिए खुश हैं कि भाई दीदी को हमने यहाँ से एक अइंटमेंट भेजा था। अरे भाई ये औरतों का जो मैं आजकल काम कर रहा हूँ, कौन सी नस कहाँ दबेगी, कैसे दबेगी, किसकी दबानी है, कब दबानी है, दिल्ली में दबानी है कि NCR में दबानी है कि आउट ऑफ दिल्ली दबानी है। तो कोलकाता में मैंने उनसे बोला थोड़ा सा रसगुल्ला पिघोल करके दवाई में और मसल लो। अब जो उन्होंने मसला है, ओफो, तो कोई मसला ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक हो गई, चंगी भली हो गई हैं। क्या बात कर रहे हैं ये तर, ओहो, मैं वही कहूँ, मैंने कहा यार एक दिन में कैसे कोई खड़ा हो सकता है। भाई अगर डॉक्टर वहाँ पे हैं, भाई इंजीनियर नहीं होकर के, भाई कभी कभी क्या होता है ना, इंजीनियर भी डॉक्टर बन जाता है वहाँ पे, पर वहाँ पे अगर डॉक्टर हैं, उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया है, तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते किसी का तो होगा। लेकिन भाई साहब अगले दिन ही प्लास्टर उतर गया और दीदी बैक टू यू नो रणभूमि में कूद पड़ी शेरनी। अच्छा, तो ये आपने बोला था उनको कि थोड़ा सिंपैथी मिल जाएगी, थोड़ा सिंपैथी लो, थोड़ा ये करो वो करो। क्या बात करते हैं आप नसीर साहब, क्या बात है। तो आपने उन्हें बताया नहीं कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता, तो मैं उसको बम से उड़ा देता हूँ। अच्छा हुआ उनसे नहीं कहा, क्योंकि वो बम से उड़ाती नहीं है, उनके तो जो टुकड़े होते हैं ना, वो बोरियों में लपेट करके फिर उन्हें बहाया जाता है। अच्छा हुआ आपने ये बात नहीं कही, बट जो सपाट ये अलग बात थी। पर ये बात ज़रूर कहनी होगी कि देखो लड़की जो है, मतलब दीदी जो है, क्या लड़ रही है, खूब लड़ी है, मर्दानी, वो तो कोलकाता वाली है दीदी थी, उसको पता है कि अंत अब नज़दीक आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो कन्विक्शन है, उसकी जो लात है जो कि ख़राब हो गई थी, भाई काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा आपको। हाँ, हमने तो उनसे ये तक कह दी थी कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कुछ बुरके या कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हमें भी भिजवा दीजिए, हम आ जाएंगे। और क्योंकि हम नहीं पता लगने देना चाहते कि भाई वहाँ पे हम पहुँचे थे। अब जैसे शाहीन बाग में अपना ये क्या नाम, हमारी जो लगाई है, नाम भूल गया, हाँ एक मिनट, घुटने रगड़ूँ, हाँ आ गया यार, मैं भी मिलता हूँ ना आर, तो वही है, जब तक रगड़ रगड़ते नहीं तब तक आती नहीं है बात। हाँ हाँ खैर, बात ये थी मुद्दे की, शाहीन बाग में वो गई, जाने का फिसल गई और गड्ढे में जा पड़ी। सवाना, मैंने कहा सवाना सवाना, मैंने कहा भाई लोगो इन्हें ज़रा उठाना, उन्होंने उठाया, और उठा करके फिर जो घर ले करके आए हैं, तो पता लगा एंकल ट्विस्ट हो गया, कहीं कहीं चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें ट्विस्ट हो गई जो सिर्फ वो अपने पति को ही बता सकती हैं। तो हमने कहा चलो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, हमने उनका ट्रीटमेंट करा दिया। पर ये जो लेडी है भाई साहब, मतलब
मुझे तो लग रहा है कि खलबली मचा देगी। जिस तरीके से वहाँ लड़ रही है, बात कर रही है, लोगों के बीच में घुस रही है, और अभी भी चैन नहीं पड़ रहा है इसे, व्हील चेयर के ऊपर अपना निकल पड़ी यार। बताओ, अभी हमसे दो चार उम्र, दो चार साल बड़ी होगी, लेकिन हमसे नहीं होती इस समय पे इस तरीके की बातें। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें पता है कि अगर गलत जगह कहीं टांग फंसा दी या फंस गई तो भाई साहब लिखना तो छोड़िए, चलना तक दूभर हो जाएगा। पर गट्स देख रहे हैं, किसको कहीं टपकाना है, किसको कहीं उड़ाना है, कहीं कोई भिजवाना है, किसी का पार्सल बनवाना है, इसके बंदे आ जाते पेलने पालने। गुंडागर्दी की हद है भाई साहब, हद। पर अब मतलब क्या कर सकते हैं कि जो है सो है, पर ये जो मिस्ट्री है एक दिन का जो प्लास्टर की, ये किसी का बाप नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अब ये आपके और मेरे बीच की बात है कि हम लोगों की मीटिंग हुई थी, मुझे याद है, निकलने के बाद आपने उन्हें शायद दिया है एडवाइस की कि भाई आप जो है सिंपैथी लो। पर ये सिंपैथी एक ही दिन लेके क्यों रह गई? मैं तो कह रहा हूँ अपना टांगे रखती और सिंपैथी मिलती, क्या दीदी को, दीदी को प्लास्टर चढ़ गया है, प्लास्टर प्लास्टर छोड़ देना। गलत बोलना, चलो कोई बात नहीं, आपके समझ तो आ गई ना। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, अब मैं उन्हें एक फुटबॉल भेज रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगी, और आप भी फ़ोन करते रहा कीजिए, नंबर तो बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? मैं इधर से फ़ोन कर दूंगा, दीदी कैसी हो, क्या हुआ, हाँ हाँ हूँ हाँ, इतने साल मुझे हो गए, मुझे भी एक्टिंग आ गई है। हाँ देखा नहीं औरतों वाले एड में मैं कैसे करता हूँ, ये औषधि है, औषधि औषधि है। तब भी कोई ना खरीद रहा साला। पर एनीवेज जो भी है, ये जो बात है, आप भी फ़ोन करते रहें, मैं भी करता हूँ, पप्पू से भी बोलिए, मातेश्वरी से भी बोलिए, कन्हैया से भी बोलिए, इन सब से बोलिए, थोड़ी बटरिंग कर दें, क्योंकि गैंग में तो हमारे आने में शामिल हो ही जाएंगी, फिर हम मिल करके मोर्चा निकालेंगे नया। ठीक है साहब, रखूँ, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस ब्लेस। जब तक मैं फुफकार नहीं छोड़ता हूँ ना, आपके भी समझ में नहीं आता है कि लड़का क्या कर रहा है। अरे वाइट बालों हैं, दिल से तो लड़के ही हैं। चलिए रखते हैं, क्या था, हाँ, कोर बोलोड़ बो जीत बोरे, कोर बोलोड़ बोरे कोर बोरे, ऐसा लग रहा है कॉरपोरेटर से लड़ रही है। एनीवे जो भी है, हम तो बस यही बोलेंगे कि दुआओं में शामिल कर लेंगे इनको, कि भगवान इनकी टांग जो भारी हो गई थी वो सही करे, और उसके बाद ये बंगाल में छा जाएं, क्यों कम से कम कोई तो ऐसा रहे जिसे कंधे पर रख के हम आंसू गिरा पाएँ, और जब हमारा वक्त आए तो आंसू इकट्ठे करके उसकी होली बनाए पिचकारी में, और ऐसे ऐसे करके मारे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, अभी चल रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हम अंडरग्राउंड हैं। ठीक है, बाय बाय। कौर बोलोड़ बोरे जीत बोरे जीत बोरे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।